जनपद बदायूं में उत्तर प्रदेश सरकार गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट देने के बाद भी गौवंशों को सहारा नहीं मिल रहा। ग्राम प्रधान से लेकर आला अधिकारी भी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जनपद बदायूं की पिलसी तहसील में आला अधिकारियों की लापरवाही से गौशालाओं में गौवंशों की आए दिन मौत हो रही है, फिर भी आला अधिकारी सुधारने का नाम नहीं ले रहे, जबकि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण को लेकर बेहद ही संवेदनशील है। इसी को लेकर बदायूं क्षेत्र में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने गौरक्षा को लेकर कमर कस ली। गौरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष नवमोहन गुप्ता के नेतृत्व में प्रशासन को पूर्व सूचना के तहत BDO इस्लाम नगर का घेराव कर ADO एग्रीकल्चर श्री अशोक कुमार शर्मा को गौवंशों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते हुए 7 सूत्रीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ठाकुर बलभद्र सिंह ने बताया कि विकास खंड के गांव करिया मई गौशाला में 2 हफ्तों में 2 गौवंश मर चुके हैं और गांव वालों ने विरोध कर प्रशासन को सूचना दी और BDO इस्लाम नगर व ग्राम पंचायत सचिव को साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन बाद एक गाय और मरने की सूचना मिली, जो ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार ने अधिकारियों को बिना किसी सूचना दिए उसे दफन करा दिया गया। जिला प्रवक्ता ठाकुर बलभद्र सिंह ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह योगी जी आदेशों की अवहेलना कर मनमानी करने पर तुले हैं। आज किसानों की दुर्गति का जिम्मेदार ये भ्रष्ट प्रशासन है। जिला प्रवक्ता ठाकुर बलभद्र सिंह ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह योगी जी आदेशों की अवहेलना कर मनमानी करने पर तुले हैं। आज किसानों की दुर्गति का जिम्मेदार ये भ्रष्ट प्रशासन है। गौशालाओं के नाम पर लूट हो रही है। अधिकांश गौवंश खुले में रहने के कारण आए दिन ठंड व भुखमरी से मर रहे हैं। डॉक्टर और BDO इस्लाम नगर की मिलीभगत से दूसरी गाय पकड़कर नया टैग लगाकर गिनती पूरी की जा रही है। इसी प्रकार सराय सावल में भी गायों की मौत हो रही है। आए दिन गौ तस्करी व गौकशी की घटनाएं हो रही हैं, जिसे प्रशासन रोकने में अक्षम है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सर, आपको ये जो ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला है? पूरा करियामई गांव में गाय की मृत्यु होना बता रहे हैं ज्ञापन देने वाले, और मैंने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। BDO साहब को अवगत करा दिया जाएगा ज्ञापन के विषय में। नहीं, ज्ञापन देने का क्या मामला है? पूरा मामला अवगत कराएं। करियामई में पहले एक बछड़ा का मृत्यु बता रहे हैं जी, और अब एक गाय की मृत्यु बता रहे हैं आप जी। उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है जी। मैंने ज्ञापन रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, रिसीविंग आपको दे दिए मैंने। अग्रिम कार्रवाई में अब क्या कार्रवाई करेंगे? BDO साहब को अवगत कराया जाएगा। BDO साहब कार्रवाई करेंगे। ठीक है।